प्रांश मंगल भवन का हुआ लोकार्पण एवं वृक्षारोपण। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा निर्मित कराया गया मंगल भवन फेज 2 का लोकार्पण कायस्थ समाज के गौरव एवं प्रांताध्यक्ष पीडी श्रीवास्तव द्वारा किया गया एवं लोकार्पण के बाद वृक्षारोपण कर समाज के लोगों द्वारा पीडी श्रीवास्तव का जन्मदिन मनाया गया। पीडी श्रीवास्तव के जन्मदिन के अवसर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम एवं चित्रांश मंगल भवन फेज 2 का लोकार्पण कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें समाज के प्रदेश पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे, जिनमें जिला अध्यक्ष शैलेंद्र श्रीवास्तव, महिला जिला अध्यक्ष श्रीमती विनीता श्रीवास्तव मौजूद रही। दादा, कितने साल से आप ऐसे वृक्ष लगा कर जन्मदिन मना रहे हैं? 4 वर्ष से ये वृक्षारोपण कर रहे हैं उसी जन्मदिन के उपलक्ष्य में, और आज हमारे नए मंगल भवन का भी उद्घाटन हुआ है, उसमें सभी चित्रांश बंधु पधारे हैं, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाकौशल प्रांत के प्रांत अध्यक्ष सम्मानी पीडी श्रीवास्तव जी का 73वां जन्मदिन है। आदरणीय दादाजी का बहुत ही सहयोग समाज के लिए प्राप्त होता है, तन से मन से धन से हमेशा आप समाज के कार्यों में समर्पित रहते हैं। हम जो युवा लोग हैं उनसे भी ज्यादा आप में लगन है काम करने की, समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए, तरक्की के लिए। इसी प्रकार ये कार्यक्रम आज दादा का जन्मदिन को उपलक्ष्य में किया गया है, वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं मंगल भवन, इसमें दादा का बहुत बड़ा योगदान है। इसको बनवाने में, खड़े होने में, पूरा काम करने में आपका बहुत बड़ा सराहनीय योगदान है और समाज को एकजुट करने में पूरा महाकौशल प्रांत में जो आज गतिविधियाँ चल रही हैं, निश्चित ही वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष पीडी श्रीवास्तव जी की ही देन है। मैं ऐसे प्रदेश अध्यक्ष के लिए इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर बहुत सारी अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जिला सागर के अध्यक्ष होने के नाते बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाइयां देना चाहता हूं। आप सतायु रहें, प्रसन्न रहें और इसी प्रकार का मार्गदर्शन और आशीर्वाद आपका हम लोगों को मिलता रहे, यही कामना आपसे करें। तो आगे भी आप वृक्ष लगाएंगे? हाँ निश्चित, हर दिन हम लोगों का ये रूटीन काम है, हम लोग साल में 2 बार कम से कम वृक्षारोपण का कार्यक्रम करते आए, यहाँ भी करते हैं और जहाँ जहाँ भी मौका मिलता है वहाँ भी रचनात्मक कार्यक्रम जो है समाज के और अच्छे कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं। समाज के कार्यों में हम लोग बहुत बड़ा योगदान रहता है, जैसे समाज का परिचय सम्मेलन है या जयंती है महापुरुषों की, या जो भी अच्छे कार्यक्रम है हम लोग हमेशा कई वर्षों से करते आए हैं।